सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्लीज कुछ कीजिए, राहत की जान खतरे में, प्लीज जाइए और जाकर कुछ देखिए। सॉरी मैम, लेकिन राहत सर के ऑर्डर है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ से ना हटे। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद राहत को जाकर ढूंढूंगी, लेकिन मैं फैज को उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैम प्लीज, आप बेवजह परेशान हो रही है, राज सर को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होंगे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए, राहत का बैच और उनकी यूनिफॉर्म, इसमें सब खून लगा हुआ है। फैज ने उन्हें अगवा कर लिया, प्लीज वो उन्हें मार डालेगा, प्लीज। और अगर राहत को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, प्लीज जाइए कुछ कीजिए प्लीज। मैम आप बेफिक्र रहिए, हम लोग देखते हैं, चलो प्लीज। मेरे राहत पर रहम करना। क्या ना तुम अंदर नहीं जा सकती। आहिर जी की बीवी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे शौहर के कमरे में जाओ। शुक्रिया। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे लगता था कि आप सिर्फ मुझसे नाराज हैं और मैं आपको मना लूंगी। इतनी नाराजगी, इतनी बड़ी सजा, खुद अपने यादों से आपने अपनी खुशियों को आग लगा दी है आहिल। सब कुछ बर्बाद कर दी, आप इस तरह बेवफा हो जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। आहिल आहिल आपने ऐसा क्यों किया? आहिल तो ये सब आपने किया है ना? आपकी चाल थी ना ये? क्योंकि अपने आहिल को मैं जानती हूं, मेरा आहिल मुझसे मोहब्बत करता है, वो गलती से भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप ही ने मजबूर किया ना उसे, आप ही ने करवाया ना। बोलिए सच नहीं था ना? पूछ रही हूं मैं आपसे, बताइए सब सच नहीं था ना? ओहो, बस 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 बस, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने किया किसने नहीं किया। सच तो ये है कि अब आहिल और नई सनम का रिश्ता सिर्फ कागजाती दस्तावेज नहीं है, ये हकीकत है। आहिल ने सिर्फ नई सनम के साथ एक रात नहीं बिताई, उसने नई सनम के साथ वो रिश्ता मुकम्मल किया है जो तुम उसके साथ मोहब्बत करने के बावजूद आज तक नहीं कर पाई। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? आहिल को नई सनम की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, है ना? वो उससे दूर तो नहीं जा सकता। तुम दोनों के बीच कोई आए या ना आए, लेकिन नई सनम हमेशा तुम दोनों के बीच रहेगी। कहते हैं कोई भी रिश्ता यकीन के दम पर बनता है, लेकिन अब क्या होगा? तुम्हारा यकीन तो आहिल ने तोड़ दिया। अब जब तुम कभी भी आहिल की तरफ देखोगे ना, तुम्हें उसकी आंखों में फरेब नजर आएगा। कभी भी आहिल को छूओगे ना, तो तुम्हें हमेशा इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे आहिल को कोई और छू चुका है। हम तो कहते हैं कि तुम अपने आहिल को भूल जाओ तो ही बेहतर होगा। तुम्हें हमेशा अपनी मोहब्बत पर बहुत गुरूर था ना? मेरा आहिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, हमेशा यही कहती रहती थी ना? लेकिन अब तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुम्हारा आहिल अब किसी और का हो चुका है, और वो लड़की कोई और नहीं, उसकी कानूनन बीवी।
हम जानते हैं कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगी और ना ही हमारी कोई भी बात मानोगी, लेकिन हम भी तो तुम्हारी अम्मी जैसी हैं ना, तो तुम्हें एक सलाह तो दे ही सकते हैं कि तुम आहिल को भूल जाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में देख पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये जिंदगी हम जी चुके हैं इसीलिए कह रहे हैं सनम, कि हम जानते हैं कि तुम नहीं मानोगी। वैसे किसी ने सच ही कहा कि वक्त खुद को दोहराता है। देखो ना, ये बात आज सच हो गई। एक वक्त था जब तुम्हारी अम्मी जोया ने हमसे हमारी मोहब्बत, हमसे हमारा असर छीन लिया। आज हमने उसकी बेटी यानी कि तुमसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा आहिल छीन लिया। हिसाब बराबर?